हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आंद्रे बेते का कास्ट क्लास एंड पावर पढ़ रहे थे, जाति वर्ग एवं शक्ति, है ना। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि आपको अभी तक मैंने कास्ट कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं क्लास लेकर के आई हूँ, यानी कि जाति हो गया है। आज हम वर्ग के बारे में जानेंगे। और जब मैं इसकी शुरुआत कर रही थी कास्ट क्लास एंड पावर की, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके आंद्रे बेते हैं वो कहते हैं कि किसी भी समाज का अगर हमें स्ट्रैटिफिकेशन का नेचर जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके तीन बेसिस जानने पड़ेंगे, कास्ट क्लास एंड पावर, जाति वर्ग एवं शक्ति को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जाति को समझ लिया है। और ये सारी चीज़ें हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में, जो एक तंजौर का एक गाँव है, ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव है जिसका नाम है श्रीपुरम। तो हम वहाँ की स्टडी कर रहे थे, वहाँ की स्टडी को हम पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ का कास्ट समझ लिया है। अब हमें वहाँ पे अब क्लास को समझने जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी सोसाइटी का या किसी भी एरिया का हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन समझना है कि वहाँ का संगठन कैसा है, वहाँ के संगठन में स्ट्रैटिफिकेशन का नेचर कैसा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्लास को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की यूनिटी पाई जाती है और उसके अंदर किस तरीके का स्तरीकरण होता है, किस तरीके का स्ट्रैटिफिकेशन होता है। तो इसको जानने के लिए हमें क्लास को जानना बहुत ज़रूरी है। आंद्रे बेते कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ये तो विलेज है और विलेज में आप क्लास कैसे पढ़ सकते हो, आप वहाँ पर वर्ग की अध्ययन कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पर तो जातियाँ पाई जाती हैं और जातियों का स्टेटस उसके जो ऑलरेडी जो एस्क्राइब्ड है, जो प्रदत्त है, उसके हिसाब से होता है। तो वहाँ पर तो आप एक तरीके की कास्ट कम्युनिटी देखते हो, तो वहाँ पे आप क्लास कैसे स्टडी कर सकते हो। तो जो आपके बेते हैं ये कहते हैं कि वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट ही पाया जाता है। वहाँ पर भले ही अगर आप फ्रीडम ना हो आपको इकोनॉमिक रिलेशंस के, जैसे कि वहाँ पे जॉइंट फैमिली पाई जाती है, तो सब वहाँ पे जॉइंट प्रॉपर्टी का एक ट्रेडिशन है, भले ही ये सारी चीज़ें हो एक गांव के अंदर, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी दिखेगा, संपत्ति का वितरण दिखेगा और आपको वहाँ पे उत्पादन की प्रक्रिया दिखेगी, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दिखेगा। और वहाँ पर भी लोगों के पास जो संपत्ति है वो भी एक जैसी नहीं है, सबके पास अलग अलग है। अगर एक फैमिली है तो उसके पास कितनी है, दूसरी फैमिली के पास कितनी है, तो ऐसा नहीं है कि सारी फैमिलीज़ के पास इक्वल प्रॉपर्टी है। और वहाँ पर आपको लैंडलॉर्ड्स भी दिखेंगे, भूस्वामी का भी एक वर्ग दिखता है। तो जब आपको वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी भी दिखती है, वहाँ पे आपको हार्ट वगैरह भी दिखते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो लाजमी है कि आप वहाँ का वर्ग का अध्ययन करो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग वर्ग के बारे में, यानी कि क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ग से आंद्रे बेते का मतलब था कि जैसे मार्क्स कहते हैं ना कि प्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उनकी एक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्शन है, अगर किसी भी चीज़ का अगर आप उत्पादन कर रहे हो, तो उसमें किसी का स्थान बहुत ऊंचा होता है, कोई सिर्फ लेबर करता है, कोई पूरा मैनेज करता है, तो इस तरीके से कैटेगराइज हो जाती हैं चीज़ें। और यही क्या करता है, वर्गों का निर्माण करता है। देखो, प्रोडक्शन एक ही चीज़ का करना है, जैसे अगर मान लो कार ले लो, कार बनती एक जगह है, ठीक है, उसका पेंट एक जगह होगा और उसका मैकेनिक अलग होगा, ठीक है, उसको डिज़ाइन करने वाला अलग होगा, फिर कार को शोरूम में रख कर के बेचने वाला अलग होगा। मतलब प्रोडक्शन का ही ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसमें लोगों का स्टेटस, लोगों का काम, सारी चीज़ें अलग अलग है ना। तो इसीलिए प्रोडक्शन के प्रोसेस में ही जो लोग लगे हुए होते हैं, उन्हीं की कैटेगरी अलग अलग होती है और वही कैटेगरी क्या होती है, क्लास होती है। ठीक है,
अब आपको ये क्लियर तो हो ही गया कि क्लास किसको कहते हैं। फिर जब इसकी क्लास की स्टडी करने जाते हैं आंध्रभृत्य, है ना, वर्क का जब अध्ययन करने जाते हैं, तो आंध्रभृत्य कहते हैं अब हम क्लास को पूरी तरीके से इकोनॉमिक बेस पर नहीं मानेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम पूरा की पूरा प्रोडक्शन से ही जोड़ दें इसको। अब हमें इसको इकोनॉमिक ढंग से नहीं समझना है, इसको हमें सोशोलॉजिकल ढंग से समझना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो सोसाइटी में वर्ग हैं उनका नेचर क्या है, यानी कि उनकी प्रकृति क्या है, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उनकी संरचना कैसी, यानी कि नेचर और स्ट्रक्चर को समझेंगे। और फिर जानेंगे कि उसमें उनको जो वर्ग के लोग हैं, खास वर्ग के लोग, उनको सोसाइटी में किस तरीके से अधिकार मिले हुए हैं, है ना, और उनके अलग अलग कर्तव्य हैं, और जो सोसाइटी में उनके अलग अलग टाइप के रिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे। और जो श्रीपुरम गांव है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे बेस है। और इस श्रीपुरम गांव में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर आपको कौन कौन मिलेगा, यहाँ पर आपको लैंडलॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, और किराए पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनकी भूस्वामी, और किराए पर जो भूमि को जोतने वाले जो पीजेंट्स हैं वो मिलेंगे आपको, कृषि श्रमिक, ठीक है, सर्फ जिसे कहा गया है, ठीक है, हाफ स्लेव पीजेंट जिसको मार्क्स में पढ़ा था आपने, ठीक है, तो यहाँ पे इनको कृषि श्रमिक कहोगे आप। तो इन सब का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें जाननी है। और ऐसा नहीं है कि अब यही लोग हैं बहुत सालों से हैं तो यही लोग सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में हैं श्रीपुरम की। भित्ते कहते हैं कि टाइम बदल रहा है, अब नई शक्तियों का भी उदय हो रहा है, तो अब हमें उसी उसको भी जानना पड़ेगा, ठीक है, और जो नए चेंजेस हो रहे हैं उनका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आंध्रभृत्य का आप एक चीज़ क्लियर समझ सकते हो कि अगर आपको वर्ग की स्टडी करनी है, क्लास की स्टडी करनी है सोसाइटी में, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा कमाते हैं, है ना, क्या इनका स्टेटस है सोसाइटी में, कितना खर्च करते हैं, कितना इनके पास फैसिलिटीज़ हैं, सिर्फ इतना पढ़ करके हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे, फिर हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करना होगा, उनका सोसाइटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका सोसाइटी के लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, और जो नई शक्तियाँ एमर्ज हो रही हैं उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, एक ख़ास बात और, अगर आप क्लास के बारे में पढ़ रहे हो तो आप अगर मार्क्स से इसको देखो तो मार्क्स ने बताया है कि क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, बट आंध्रभृत्य कहते हैं क्योंकि हम ग्रामीण व्यवस्था की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस में सहयोग करके काम चलाते हैं, ठीक है, उनके बीच में संघर्ष होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये जो श्रीपुरम गांव है यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसा ग्रुप तो ज़रूर है जिसके पास सारा प्रोडक्शन का सोर्स सेंटर्ड है, जिसके पास सब कुछ है, रिसोर्सेस हैं जहाँ से वो प्रोडक्शन कर सकता है, और एक ऐसा समूह है जो वंचित समूह है जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्रम आपका अपना देना है। ठीक है, तो इस तरीके से लेकिन यहाँ पर किसी भी जैसे आपको अगर आपने मार्क्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा ना कि क्लास कॉन्शियसनेस होनी ज़रूरी है एक वर्ग के अंदर, एक क्लास के अंदर, एक ट्रू क्लास हम किसको कहेंगे जिसके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस होगी। तो आंध्रभृत्य कहते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी क्लास कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो जातियाँ हैं वो विशेष प्रकार के परिस्थिति समूह हैं जिनकी शैली, जीवन शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, यानी कि जो कास्ट हैं वो एक टाइप का स्टेटस ग्रुप है। ठीक है, और वहीं अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में क्या है, जैसे एक खेतीहर वर्ग हो गया, एग्रेरियन क्लास हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो खेती ही करता रहेगा, है ना, जैसे जाति में एक ही जाति रहती है इंसान की, लेकिन वर्ग में आप अगर देखते हो क्लास में तो वो क्या करता है, जैसे एग्रीकल्चर में भी लगा हुआ है, फिर उसके आगे आने वाली जनरेशन क्या बन गई, स्कूल वगैरह में पढ़ लिया उसने तो किसी दफ्तर में बाबू बन गए, है ना, मतलब उसका स्टेटस हाई हो गया, तो इस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप श्रीपुरम की स्टडी को देख सकते हो जहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझा इन्होंने किसके अंदर, वर्ग के अंदर, ठीक है, और
उन्होंने ये भी स्टडी किया कि प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है और लोगों के बीच में आर्थिक विभेदीकरण क्या है, उत्पादन की प्रक्रिया को समझा और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन को समझा। ठीक है, वहाँ पे कृषि श्रमिक वर्ग खासकर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मतलब उसका नंबर ज़्यादा है, तो उसकी स्टडी की। इसके अलावा जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट स्टडी है जिसको सोशियोलॉजिकल बनाती है, अब ये सारी चीज़ें जितनी अभी मैंने बताई है तो इकोनॉमिक्स में भी हो सकती है, बट जो चीज़ें इसे सोशियोलॉजिकल बनाती है वो क्या है कि विभिन्न वर्गों के बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, लोगों के पारस्परिक संबंध कैसे हैं, उसकी स्टडी इन्होंने किस में की, श्रीपुरम गाँव में। ठीक है, फिर वर्ग की स्टडी में एट द एंड वो कंक्लूजन में बताते हैं कि लोगों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है वो टूट रहे हैं। ठीक है, और जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं उनका जो स्टेटस है वो गिर रहा है। ठीक है, उनकी परिस्थिति में गिरावट हो रही है। ठीक है, और जो आप खुद सोचो, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास तो लैंड्स हैं और उनके यहाँ काम करने कौन आते हैं, कृषि श्रमिक काम करने के लिए आते हैं। तो देखा जाए तो ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनका, इनकी तो भूमि है, आराम से बैठे हुए हैं, तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में इसका, इनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है। डायरेक्ट रोल किसका है, जो वहाँ पे काम करने आ रहे हैं वही तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या गलती है, सिर्फ उनके पास लैंड नहीं है, बाकी उनको सब कुछ करना आता है कि कैसे क्रॉप उगाई जाती है, कैसे मेहनत की जाती है, और मेहनत करने की भी हिम्मत है उनके अंदर, है ना। और फिर भी वो लोग क्या है, गरीब के गरीब हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका उनका बहुत सारा उपभोग हो रहा है ना उनकी लाइफ में, उनके पास फैसिलिटीज़ ही फैसिलिटीज़ हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ने जा रहे हैं और उनकी जीवन शैली इतनी आडंबरपूर्ण है ना, इन्हें कभी भी कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और इस और इन्होंने इतने विलासितापूर्ण इनका वर्ग हो गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत कामों में भी लग गए, जैसे जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना, है ना, सट्टेबाजी करना, और इसकी वजह से इनकी परिस्थिति में क्या हुआ, गिरावट आ गई है। अब इनकी रिस्पेक्ट नहीं रह गई है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, लैंडलॉर्ड्स की। ठीक है, और इसी का परिणाम ये है कि जो भूस्वामी वर्ग है उसकी अधिकांश जो ज़मीनें हैं वो दूसरे वर्गों को हस्तांतरित होने लगी हैं, है ना। जो आपका भूस्वामी वर्ग है उसकी जो नई पीढ़ी है, मतलब भूस्वामी वर्ग पहले उनके यहाँ रहते थे, अब देखो नई जनरेशन आ रही है, तो मतलब उनके जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अब उन वो वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित हो गए हैं, है ना, वेस्टर्न क्या कहोगे आप, मतलब वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं, पश्चिमीकृत हो गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अब गांव छोड़ करके जा रहे हैं दूसरे, उन्हें लग रहा है कि एग्रीकल्चर एक लो स्टेटस वाला काम है, अब वो एग्रीकल्चर को छोड़ करके दूसरे काम धंधे रोज़गार ढूंढने के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो यही सब है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस तरीके से इन्होंने क्लास की स्टडी की है, और देखो अब इन्होंने ये सारी चीज़ें तो जान ली कि कैसा रिलेशन है, कैसा क्लास का स्ट्रक्चर है, यही सब तो पढ़ना है ना, जब भी गांव की स्टडी करोगे तो क्या पढ़ोगे, आप भी कभी स्टडी करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, यही सारा पूरा स्ट्रक्चर आपको जानना होगा। सिर्फ और सिर्फ क्लास की स्टडी करने में आपको इतना सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि एक क्लास है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कितने वहाँ पर क्लासेज हैं, क्या काम करते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, और यही नहीं है ना, बात ख़त्म नहीं हुई, अब आपको चेंजेस भी पढ़ने हैं कि चलो वो लोग अभी तक कैसे थे और अब जो नया चेंज हो रहा है, अब जो नए तौर तरीके डेवलप हो रहे हैं वो कैसे हैं। अब देखो उन्होंने बताया ना कि लोगों की जो बड़े भूस्वामी हैं, जो जिनका स्टेटस हाई है, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, अब उनका जो मान सम्मान में गिरावट हो रही है। ठीक है, और अब जो नया चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें जो नए वर्ग, जैसे मतलब एक था आपका बड़े भूस्वामी और दूसरा था कि वहाँ पे जो लोग काम करते थे उनकी लैंड पे, दो वर्ग थे ना, तो अब जब इन लोग, ये लोग जो बड़े वाले हैं उनकी गिरावट हो रही है, ये लोग इनकी जो लैंड है वो दूसरे के पास ट्रांसफ़र होने लगी है, तो बीच में एक नया वर्ग उदय हो गया है, मध्यम वर्ग, है ना, इनके बीच में एक मिडिल क्लास का भी इमर्जेंस हो गया, ये इनका चेंज है, ये आप बताओगे कि एक नया चेंज आया, जिसको बोलते हैं पट्टेदार वर्ग, है ना। तो ये जो पट्टेदार लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी भूमि पर, उनकी छोटी छोटी भूमि है तो छोटी छोटी भूमियों पर कृषि श्रमिकों से काम करा के अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं, तो
हम एक ऐसा किसान वर्ग इसको कह सकते हैं जिसकी आर्थिक परिस्थिति पट्टेदारों से भिन्न होने के बाद भी सामाजिक रूप से पट्टेदारों और कृषि श्रमिकों से पूरे तरीके से पृथक नहीं है, है ना। जो लैंड लॉर्ड है उसकी बात कर रही हूँ। तो मतलब अभी तक दो थे, अब एक चेंज आ गया जिसमें क्या है, एक ऐसे किसान भी हो गए जिनके पास छोटी छोटी भूमियाँ हैं बट वो उस पर काम नहीं करते, वो दूसरे श्रमिकों से काम करवाते हैं। हो सकता है वो क्या करते हो, बाहर विदेशों में या शहरों में काम करते हो और उनके पास लैंड हो और वो अपनी लैंड पर काम कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे से काम करवाएंगे। तो ये पट्टेदार है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्लास का स्टडी है ये आंध्र विद्या का।